नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आप जैसा कि जानते हैं, ट्रैक्टर हर एक किसान खरीदना चाहता है और इस वक्त सभी किसानों के पास ट्रैक्टर भी हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे किसान भाई हैं जो कि वापस ट्रैक्टर या तो बदल रहे हैं या फिर ख़रीदने वाले हैं। इसलिए उनसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जो कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि किसान भाइयों ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि किसान भाइयों को काफ़ी पीछे निकाल देता है, यानी उसमें काफ़ी पूंजी लगती है, उसके कारण किसान की हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में ही अगर ट्रैक्टर गलत लिया जाए तो किसान भाइयों किसान को रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। इसलिए दो चार ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। नंबर पहली बात है किसान भाइयों कि ट्रैक्टर खरीदें तब पहले यह पता करें कि इस ट्रैक्टर के जो पार्ट्स हैं वो हमें आसानी से मिलेंगे या नहीं, और अगर ये ट्रैक्टर है तो इसमें जो पार्ट्स लगे हुए हैं क्या एक ही कंपनी के हैं या नहीं। किसान भाइयों क्या होता है कि 4-5 साल तो हर एक ट्रैक्टर आसानी से निकाल देता है, लेकिन जैसे ही वो पुराना होता है उसके पार्ट्स घसाते हैं, ख़राब होते हैं, तभी किसान को अगर गलत ट्रैक्टर ले लिया तो उसके पार्ट्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद उसे बेचने के सिवा कोई चारा नहीं मिलता। तो किसान भाइयों आप ध्यान रखें, जब भी ट्रैक्टर लेने जाएं उसके पहले उसके बारे में देखें, अपने पास में देखें, अपने गांव में देखें कि सबसे अधिक ट्रैक्टर कौन से हैं, और अपने मार्केट में उसकी वैल्यू देखें कि उसकी वैल्यू कितनी है, तब जा कर के ट्रैक्टर लें। वरना किसान भाइयों ट्रैक्टर ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी किसान भाई परेशान होते हैं पार्ट्स ढूंढने में, क्योंकि कंपनियां तो पार्ट बना देती हैं ट्रैक्टर, लेकिन उसके पार्ट्स मिलना मुश्किल है। इसलिए सबसे अधिक चलने वाले ट्रैक्टर ही ख़रीदें, चाहे वो आपको पसंद हो या नहीं, किसी के बेकावे में ना आवे। तो किसान भाइयों अगर आप जागरूक हैं तो यकीन मानिए आप कभी घाटा नहीं खाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।